नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। छोटे से घर को या फिर रेंटल अपार्टमेंट को किस तरीके से आप रख सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। एक चवन्नी भी मैं खर्च नहीं करूँगी और बहुत ही अनऑर्गेनाइज किचन को ऑर्गेनाइज करूँगी। आपको दिखाऊँगी कि किचन में पहले कितनी भीड़ थी और अभी किचन कितना स्पेसियस है। देखिए, मेरे साथ क्या है कि मैं ट्रांसफ़र वाले जॉब में हूँ, जिसकी वजह से मुझे इधर से उधर मूवमेंट करना पड़ता है। मेरे पास सामान बहुत है, लेकिन कई बार कुछ छोटे घर मुझे मिल जाते हैं। जैसे कि एज ऑफ नाउ मैं किराए के घर पे हूँ, तो इस घर में चाहकर भी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। तो सारा सामान मैंने एक स्टोर रूम में पैक कर दिया और जुगाड़ वाली लाइफ से मैं अभी काम चला रही हूँ। तो सारे जुगाड़ बहुत इम्प्रेसिव है, आपको भी देख के मज़ा आ जाएगा और आपको भी लगेगा कि काश ये मैंने किया होता या फिर यह मुझे ये करना चाहिए। पैसे खर्च करके आप अपने खुद के परमानेंट हाउस को जैसा चाहे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका ट्रांसफ़र आता है, आप किराए के घर पर रहते हैं, अक्सर आपको घर बदलने पड़ते हैं जिसकी वजह से सामान टूटता है, नुकसान होता है। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ दूंगी आपको कि सामान अगर टूट भी जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा किचन कितना अनऑर्गेनाइज है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है कई बार मुझे भी नहीं मिलती। मैं एक होम बेकर हूँ और मेरा बेकिंग का सामान भी कुछ इसी तरह से फैला रहता है, क्योंकि कब कौन सा ऑर्डर आ जाए और कब क्या रिक्वायरमेंट पड़ जाए पता ही नहीं चलता। तो बस ये सब ऑब्जर्व करने के बाद आई थॉट कि चलो इस किचन का एक मेकओवर कर लेते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। पैसे खर्च करके मेकओवर करना बहुत इजी है, लेकिन बिना खर्चे के मेकओवर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई पैसा खर्च नहीं हुआ, प्लस सारी ऐसी चीज़ें हमने यूज़ कर ली जो किचन में ऐवे ही पड़ी थी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सारे आइडियाज़। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आती है, आप कुछ भी रिलेट कर पाते हैं, तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो शेयर करी है, छोटे से किचन में स्पेस नहीं है तो स्पेस क्रिएट आप कैसे कर सकते हैं, किचन को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। इस किचन में आते ही बहुत सारे स्पैचुलास, बहुत सारे बर्तन मेरे पास ऐसे हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं, जिनकी वजह से जगह भी बहुत सारा जाती है और दिखने में बहुत ही गंदा किचन लगता है। हर घर में होते हैं स्पैचुलास, होते हैं कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो दीवार पर हम हैंग करते हैं। तो मेरे पास सामान में से निकला ये हैंगर, अक्सर मैं इसमें अपने कपड़े हैंग करती हूँ, डोर के पीछे लगा रहता है। तो जब मैं पुराने घर से आई तो मैंने इसे निकाल लिया था, क्योंकि इजीली आप इसे रिमूव कर सकते हैं। साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी महंगा है, स्टाइलिश और बहुत सुंदर भी लग रहा है। अगर आपका खुद का घर है तो आप इसे अपने घर में लगवा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है खुद के घर के लिए। लेकिन रेंटल अपार्टमेंट के लिए ये जो मेरे पास पड़ा था, मैंने इसे निकाला, सिंपली दीवार में दो नेल लगाए और इसको अच्छे से एक हैमर की मदद से मैंने हैंग कर दिया। इसके ऊपर छोटे छोटे स्टड टाइप होते हैं, थोड़े ग्रिप के लिए आप बटन जैसा इसके ऊपर कुछ लगा रहता है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। उन्हें रिमूव करने के बाद आप इस पर छोटे छोटे छेद वाले बर्तन भी अच्छे से हैंग कर सकते हैं। जितने भी बर्तन आप इस पर हैंग करते हैं, साइज वाइज कीजिएगा, पहले बड़ा फिर छोटा, इससे एक पैटर्न क्रिएट होगा और आपके ढेर सारे अनइवन वाले बर्तन जो इधर से उधर किचन में पड़े होते हैं वो आप इस पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 60 या 70 रुपए में। तो मेरे पास तो पहले से ही था, आप चाहे तो इसे लोकल मार्केट से बाय कर सकते हैं। ये है मेरा बेकिंग का सारा सामान जो इधर से उधर फैला रहता है। साइड में जो आप देख रहे हैं ये बेकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन खुद के घर के लिए, क्योंकि ट्रांसफर वाली जॉब में टूट जाता है, प्लस हम इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं, ऐसे बर्तन टूट जाते हैं। तो मैंने क्या आइडिया निकाला, मैंने उठाया अपने किचन का एक डब्बा, ये देखिए फ्रेंड्स 3 का सेट है मेरे पास ये, और इसमें फ्लावर प्रिंट बना है तो ये दिखने में भी सुंदर है। तो मैंने अपना सारा बेकिंग का आइटम इसमें साइज वाइज फिट कर दिया। बस आपको एक ऐसा डब्बा लेना है जिसके हाइट अच्छी खासी हो। बेसिकली जितना सामान आप इसके अंदर रख रहे हैं वो आधे से ज़्यादा पार्ट डब्बे के अंदर होना चाहिए। अगर कम हाइट वाला डब्बा लोगे तो सारा सामान बाहर ही गिर जाएगा। तो सारा बेकिंग का सामान मैंने एक डब्बे में रख दिया। अब मुझे पता है कि इस डब्बे में सामान है, मैं इजीली पूरा डब्बा निकाल कर अपना बेकिंग आसानी से कर सकती हूँ। मेरा कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो इधर से उधर फैला है, और आप देख सकते हैं अलमारी में रखने के बाद कितना सुंदर ये लग रहा है और कितना कम स्पेस इसने लिया है। पहले यही सामान बहुत सारे एरिया में फैला हुआ था। अब आ जाते हैं टिप नंबर 3 पे। साइड में जो फोटो देख रहे हैं
ये आप अपने पर्सनल घर के लिए आइडियाज़ कैरी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं रेंटल अपार्टमेंट में हूँ तो मैंने उठाए हैं ये डब्बे। ये डब्बे मेरे पास पहले से थे, मैंने फ्रिज के लिए डब्बे बाय किए थे, तो अभी मैंने सोचा कि चलो इसे किचन में यूज़ कर लेते हैं। इन डब्बों की खास बात यह है कि ये एक के ऊपर एक आकर किचन में काफ़ी स्पेस बचा लेते हैं, लेकिन अभी मुझे इनमें डब्बे रखने हैं। तो मैंने डब्बों में एक साइज़ के सारे सीजनिंग वाले डब्बे रख दिए हैं, दूसरे डब्बे में मैंने सॉस की बोतल वगैरह रख दिया है। बाकी जो डब्बे इधर उधर फैले थे छोटे से बड़े साइज़ के, वो मैंने अपनी इस बास्केट में रख दिए हैं। ये बास्केट मैंने बहुत पहले बाय किया था आलू प्याज रखने के लिए, तो फिलहाल मैंने इसे धोकर सुखाकर इसमें सारे लेफ्ट ओवर डब्बे रख दिए हैं। इस बास्केट में भी बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने डब्बे आप इसमें रखते हैं वो सारे साइज़ के हिसाब से रखिएगा, तो बास्केट दिखने में भी सुंदर लगेगी। अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक के ऊपर एक डब्बे रखे हैं उनकी वजह से बास्केट का लुक कितना ख़राब हो गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसे डब्बे हमारे किचन में होने चाहिए जो एक के ऊपर एक आ जाए, तो उनसे काफ़ी स्पेस आप बचा सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंट डब्बे आप लीजिएगा किचन में, इजीली आपको बाहर से पता चलेगा कि कौन से डब्बे में कौन सा सामान है। आप देख सकते हैं ये अलमारी कितनी अनऑर्गेनाइज लग रही है, अतरंगी डब्बे हैं इसमें। तो ये सारे वो डब्बे हैं जब मैं सामान खरीद के लाती हूँ, जैसे कि मेरे पास बेकिंग पाउडर का खाली डब्बा है या बेकिंग सोडे का डब्बा है। सॉस की बोतल भी साफ करके मैं रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, कई बार वो बहुत काम आती है। कुछ ऐसे डब्बे होते हैं हमारे पास, जैसे हनी वाला डब्बा, ओट्स वाला डब्बा। तो अगर आपके घर में भी ऐसे मसालों वाले डब्बे हैं या कुछ खाने पीने के डब्बे आ जाते हैं, जैसे जैम का डब्बा होता है या फिर पतंजलि से आपने मुरब्बा ले लिया उसका डब्बा होता है, तो उन्हें आप धोकर सुखाकर उन्हें यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली रेंटल हाउस के पर्पज से, अगर वो टूटे भी तो आपको दुख ना हो। तो ये जो ट्रे थी मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया और देखिए काउंटर टॉप पे रख दिया, तो कितना अच्छा लग रहा है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपके सारे छोटे छोटे डब्बे एक ही ट्रे में आ गए, दूसरा आप इस ट्रे को हटाकर पूरी अलमारी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अभी आपको एक एक डब्बा हटाकर अपनी अलमारी क्लीन नहीं करनी होगी। जैसे अभी मुझे अलमारी क्लीन करनी है तो मैं एक एक डब्बा हटाती जा रही हूँ, अलमीरा क्लीन करती जा रही हूँ। लेकिन जब आप इस तरीके से छोटे छोटे डब्बों में ये डब्बे ऑर्गेनाइज करेंगे तो पूरा डब्बा आपको हटाना है और विद इन फ्यू मिनट्स आप पूरा किचन क्लीन कर लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी पसंद आई होगी। साथ ही साथ मेरे पास ये 2 से 3 बास्केट पुराने भी पड़े थे, मेरे बच्चों का स्टेशनरी आइटम इनमें रहता था, तो मैंने उनके वो बास्केट ले लिए उनसे और इसमें अपने किचन के डब्बे कुछ दिनों के लिए ऑर्गेनाइज कर लिए। तो आप देख सकते हैं ये वही एरिया है जहाँ पर अभी तक बहुत सारे डब्बे थे। अब इस केस में क्या होगा, मुझे सिर्फ ये बास्केट निकालने हैं और अपना किचन मैं इजीली क्लीन कर सकती हूँ। आप ये बास्केट अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ये 50 to 60 रुपीज़ में आपको एक पड़ जाएगा। साइड में जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर के हिसाब से आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन रेंटल अपार्टमेंट में ये प्रोसेस काम नहीं करता क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, प्लस आपका नुकसान होगा, आने जाने में सामान टूटेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ केक के मोल्ड है जो मेरे पास ऐवे ही पड़े थे, इनमें भी मैंने अपनी ये किचन के लेफ्ट ओवर बोतल रख दी हैं, जो बोतल पानी की होती हैं, बच्चे स्कूल लेके जाते हैं वो इधर उधर पड़ी होती है। ये मेरे किचन का एक नोट पैड है जिसमें मैं अपना काम करती हूँ, कुछ कुछ लिखती रहती हूँ राशन से रिलेटेड। एक के मसाले का डब्बा है, तो सारा सामान मैंने इन दोनों केक के मोल्ड में रख दिया, तो सारी चीज़ें बिखरी हुई नहीं है, ऑर्गेनाइज लग रही है। इस तरीके से आप अपने घर में रखा हुआ सामान यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना कम स्पेस में कितनी सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज कर ली हैं। साइड में प्लेट्स देख सकते हैं आप किस तरीके से फैली हुई हैं। ये कुछ डेट्स के खाली डब्बे हैं मेरे पास जिसमें मैं अपने सूखे स्पाइसेस रखती हूँ, यानी कि गरम मसाला। किसी में मैंने किचन के क्लोथ धोकर सुखाकर फोल्ड करके रखे हुए हैं। ये खाली एक मिठाई का डब्बा है, ये भी मैंने फेंका नहीं है। कभी कभी अगर किसी के घर आप जाते हैं तो अपने घर से कुछ बनाकर इसमें पैक करके ले जा सकते हैं। तो ये सारे डब्बों का फायदा ये है कि ये एक के ऊपर एक आकर आपके किचन को सुंदर भी दिखाते हैं, प्लस स्पेस बहुत बचाते हैं। अब देखिए जितने भी प्लेट्स मेरी इधर उधर पड़ी थी उनको मैंने एक इस तरह के प्लेट के स्टैंड में रख दिया। ये भी मेरे पास बहुत पुराना पड़ा था, अभी तक मैंने कुछ भी बाय नहीं किया है, सब कुछ ऐसा ही सामान है जो मेरे पास पहले से था। तो ये जो ट्रे है मैंने पहले काउंटर टॉप पे रखा, लेकिन अभी मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो काउंटर टॉप भी मेरा खाली हो गया, प्लस ये एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक प्लास्टिक की शीट आप आसानी से बाय कर सकते हैं, उसको अपनी अलमारी में बिछाइएगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप सामान जब इसके ऊपर रखेंगे और इनकेस अगर कुछ लीक भी हो गया तो आपका पूरा किचन गंदा नहीं होगा, आप इजीली किसी भी वेट वाइप से ये एरिया क्लीन कर सकते हैं। शुरुआत से मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये देखिए किचन कितना ऑर्गेनाइज अभी लग रहा है मेरा।
यहाँ से मैंने किचन में एंट्री करी। शुरुआत में मैंने ये ट्रे रखा। काउंटर टॉप कितना नीट और क्लीन है, ये देखिए। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज। और कुछ भी बाय नहीं किया है हमने, कुछ भी नहीं खरीदा है, सब कुछ घर से ही काम चलाया है। ये देखिए ये जो प्लेट है, अगर आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो इस तरह के ड्रॉर्स मॉडल किचन में होते ही हैं प्लेट्स रखने के लिए। लेकिन रेंटल अपार्टमेंट में ये छोटा सा जो आप प्लेट होल्डर देख रहे हैं, ये 180 to 200 रुपीज़ का आता है। साइड में आप देख सकते हैं, इस तरीके का बाय कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे मैं होम बेकर हूँ, मेरे सारे केक के बेस भी इसमें मैंने रख दिए। सारे प्लेट्स रखने का आपको ऐसा है कि सबसे पहले बड़ी छोटी छोटी साइज वाइज प्लेट रखिएगा, तो सारे प्लेट्स आपके सुंदर भी लगेंगे। तो काफ़ी स्पेस अभी भी मेरे किचन में है, यहाँ पर मैं कुकर वगैरह भी रख सकती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये वही किचन है जो अब तक बहुत मैसी था। तो बिना खर्चे के घर में रखी चीज़ों से ही हमने अपने किचन को थोड़ा स्पेसेस बना लिया है। आप चाहे तो खुल के पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझदारी ये कहती है कि जब तक आप रेंटल अपार्टमेंट में हैं तो पैसा खर्च मत कीजिए। ये सारी वही चीज़ें हैं कि अगर टूटेगी फूटेगी भी तो आपको दुख नहीं होगा। अक्सर हम सभी के घर में एक्सपेंसिव सोल्ट और पेपर की बोटल्स होती है। साइड में आप देख सकते हैं, अमेजन पे चेक करिएगा, इसका प्राइस 400 समथिंग का ये है। स्टाइल वाइज जाएंगे तो आप इजीली ये बाय कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर से जुगाड़ लगाकर सुंदर सी स्पाइस वाली बोतल भी तैयार कर ली है। ये देखिए, ये एक हनी की खाली बोतल है। इसको साफ कर लीजिएगा पानी में भिगोकर, इसके ऊपर जो लेबल होते हैं इजीली रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आप कोई भी मसाला इसमें रखिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। साइज वाइज रखना है आपको, ऐसी बोटल्स हर घर में होती है। तो कुछ वही बोतल निकाल कर मैं आज आपको बताऊंगी कि सोल्ट एंड पेपर की बोतल फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर में कैसे रेडी कर सकते हैं, और अगर वो टूट भी रही है तो आपको दुख बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने ले ली है 2 बोतल। मेरे पास सीजनिंग के ढेर सारे बोतल पड़े हुए थे, तो मैंने उसमें से 2 बोतल निकाली। उनको मैंने आधा घंटा पानी में डिप कर दिया। तो खाली बोतल्स लेने हैं बेसिकली। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ डेमो के लिए कि मैंने ये बोतल यूज़ करे हैं। तो बोतल को मैंने 1/2 आवर के लिए पानी में डिप कर दिया, नॉर्मल पानी में। उसके बाद उसका जो टैग था वो मैंने रिमूव कर दिया। लोहे वाले स्क्रबर से मैंने अंदर बाहर से अच्छे से साफ कर लिया। बोतल को धोकर उल्टा करके मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद बोतल बिल्कुल ड्राई हो गए। उसके बाद मैं इसमें रखूंगी सेंधा नमक। जब भी आप नमक स्टोर करते हैं, कांच की बरनी में स्टोर करिएगा, और उसे यूज़ करने के लिए प्लास्टिक या फिर लकड़ी वाली चम्मच का इस्तेमाल करिएगा, जैसे मैंने किया हुआ है। तो दोनों बोतल में मैंने सोल्ट और पेपर भर दिया। पेपर भी मैंने घर में ही फ्रेशली कूट के रखा है। और अब देखिए, चूंकि इन बोतल में ऊपर में थोड़ा सा मसाले के लिए स्पेस भी है, तो इजीली आप किसी फ्रूट पे, किसी सैलेड पे आप मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। अलग से आपको छेद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए, इसी ट्रे में मैंने ये बोतल रख दी, और कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि घटिया लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। इनफैक्ट आप इन्हें डाइनिंग टेबल पे रखोगे तो भी आपका किचन बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू से आपको अपने किचन का लुक दे देती हूँ। यहाँ से मैंने किचन में कर ली एंट्री। सारा वेस्ट सामान था मेरे पास जो मैंने इस तरीके से यूज़ करके अपने अनइवन किचन को, अनऑर्गेनाइज किचन को सुंदर बना दिया। ये देखिए, ये शैशे देख रहे हैं आप, ढेर सारे शैशे मेरे पास पड़े हुए थे। ये एक मटकी पड़ी हुई थी, ये चम्मच जो देख रहे हैं आप मैंने रखी है, ये सब वेस्ट सामान था जिससे मैंने ये सब बना लिया। डेली बेसिस में लगने वाली चीज़ें मैं काउंटर टॉप के पास ही रखती हूँ। वो मेरी मिक्सी है, इजीली इसे चकले के ऊपर प्लेस किया मैंने। अब इसे बाहर निकालना, अंदर करना बहुत इजी हो गया है। पहले जब मैं इसको इस तरीके से बाहर निकालती थी, ये गिर जाती थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो डब्बे जो अनइवन थे। कितना स्पेस अभी मेरी अलमीरा में बच चुका है। इजीली आप अलमीरा में से ये बास्केट निकालिए और अपने किचन को क्लीन कर लीजिए। ऊपर वाला एरिया दिखा दूँ, जब भी टिफ़िन वगैरह आप रखते हैं बच्चों के, हस्बैंड के, ढक्कन लगाकर ही रखिएगा। आपको नेक्स्ट टाइम जब भी टिफ़िन चाहिए वो गुम नहीं होंगे, इजीली दोनों चीज़ें एक जगह पे प्लेस मिलेगी आपको। छोटे छोटे डब्बे किचन के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं। सेफ टिफिन वगैरह हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये मसालों के कुछ पैकेट है मेरे पास, तो इन्हें ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखिएगा ताकि आपको दिख जाए, दूर से ही पता चल जाए कि इसमें मसाले रखे हैं, और नेक्स्ट टाइम आप मसाला खरीदने से पहले एक बार चेक कर लें। तो ये है फिलहाल मेरे किचन का पूरा लुक, आप देख सकते हैं। कोई भी सामान मैंने बाजार से नहीं लाया है, घर में रखी चीज़ों से ही मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत फायदा करेंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, थोड़ा सा भी यूजफुल अगर ये लगता है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। और
ये देखिए, जब भी हमें किचन क्लीन करना है तो सिंपली मुझे बास्केट बाहर निकालना है, ये प्लेट वाला स्टैंड बाहर निकालना है, किचन को मैं आसानी से क्लीन कर लूँगी। तो अब देखिए किचन में कितना स्पेस है, वही छोटी सी किचन है लेकिन कितना स्पेस है और कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो घर में पड़ी हुई चीज़ों से, जैसे कि आप सामने जो मग होल्डर देख रहे हैं, ये कोई मग होल्डर नहीं है, ये एक टी जो स्पून होल्डर है ना, वो है, ये स्पून होल्डर है, ये मैंने बहुत पहले बाय किया था, इसमें मैंने अपने मग अभी हैंग कर दिए हैं। ये मेरा चोपर है जो मैंने एक डब्बे के ऊपर रख दिया है इस तरीके से। और साइड में भी आप देख रहे हैं, ग्रीन वाली छोटी सी ट्रे थी, वेजिटेबल ट्रे, उस पर मैंने कुछ बॉटल्स, तेल की बॉटल इस तरीके से रख दिए हैं। ये ट्रे मैं अपने ओवन के ऊपर रखती हूँ। मसाला डब्बा मैंने केक की ट्रे के ऊपर रख दिया है। और ये देखिए कितना ऑर्गेनाइज अभी मेरा किचन हो चुका है। तो ये वही पहले वाला किचन है। शुरुआत वाली ट्रे मैंने यहाँ पर रख दी है, आप आगे पीछे से कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। ये सोल्ट और पेपर के डब्बे आसानी से आप किसी भी फ्रूट सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आते हैं ये। तो बहुत ही यूजफुल सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।